की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे हर परिवार में। ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है। ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है, न्यूज में टीवी पर आपने जरूर देखा होगा। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति यानी राजनीति की मुख्य धारा वोट जिहाद के अलावा कुछ नहीं। टीएमसी राजनीति यानी हिंदुओं की हत्या, दलितों आदिवासियों का उत्पीड़न। टीएमसी राजनीति यानी महिलाओं पर अत्याचार। मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक आपको पता है क्या क्या बोलते हैं। टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सीमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सीमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया, अब ये बंगाल से बुआ लाए और ये बुआ बउआ का खेल। और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों,
मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है, कभी आपने आपके नई बुआ को